हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल में एक और मंत्री पद की दावेदारी की है। उन्होंने कहा कि हम पार्टी से अनिल कुमार सिंह को भी मंत्री बनाया जाए। जीतन राम मांझी ने कहा कि मंत्रिमंडल में निर्दलीय को मनचाहा विभाग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह, नीतीश कुमार और नित्यानंद राय सहित अन्य नेताओं से बात की है। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया, इसलिए मुझे मंत्रालय में 2 सीट नहीं मिला तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी को पैसा और पद से नहीं तोला जा सकता है, इसलिए मैं एनडीए के साथ हूँ। गौरतलब है कि भाजपा के सहयोग से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई है। अब नीतीश कैबिनेट के विस्तार की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि जल्द ही नए मंत्री बनाए जाएंगे। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सरकार में भागीदारी को लेकर जो बयान दिया है, उससे कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की टेंशन जरूर बढ़ सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को मनमाना मंत्रालय देने को लेकर भी सवाल उठाया है। जीतन राम मांझी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक अपनी बात पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि निर्दलीय को मंत्रिमंडल में मनचाहा विभाग मिल रहा है, हम पार्टी से अनिल कुमार सिंह को मंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, मैंने अमित शाह, नीतीश कुमार और नित्यानंद राय सहित अन्य नेताओं से बात की है। बता दें कि 28 जनवरी को बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान हम पार्टी के नेता और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को फिर से मंत्री बनाया गया है। संतोष सुमन इससे पहले भी बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति विभाग का मंत्री बनाया गया था। न्यू में मिल गए हैं, उनको मिला या मिलेगा, लेकिन निर्दलीय विधायक हैं उनको मिला और मनचाहा विभाग भी मिलने की बात चल रही है। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं या नहीं, किसी ने 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि दो दीजिए और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए ताकि सवर्णों का वोट कंप्लीमेंट होकर के हम लोग मिले। इसी के साथ बता दें, इससे पहले एक इंटरव्यू में जीतन राम मांझी ने दावा करते हुए कहा था कि नई सरकार में भले ही नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, मगर सरकार की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में रहेगी। मांझी ने कहा कि एनडीए का हिस्सा होने की वजह से वो और उनकी पार्टी के विधायक भी इस सरकार में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी बातचीत हुई है और इसके बाद उन्होंने भी नीतीश कुमार को समर्थन देने का फैसला किया है। मांझी ने कहा था कि हमारी पार्टी ने तय किया है कि हम नरेंद्र मोदी यानी एनडीए के साथ रहेंगे और नीतीश कुमार का हम लोग साथ देंगे। इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने दावा करते हुए कहा था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी बात हुई है और उनके कहने पर वो नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के 4 विधायक एनडीए के साथ हैं। एनडीए की मूल पार्टी बीजेपी है, अमित शाह जी से बात हुई है, उन लोगों ने भी सुझाया है कि नीतीश कुमार का साथ देना चाहिए। मांझी ने कहा था, जब एक निर्दलीय विधायक को एक मंत्री पद दिया जाता है तो हमारी पार्टी के पास 4 विधायक और 1 MLC है। हम लोगों ने तय किया है कि इस हिसाब से 2 मंत्री तो बनाइए। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।